गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको आवाज आ रही मेरी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, ट्रेंड लाइन का एक सेकंड मेथड और होता है। ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन एक ही होती है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, थ्योरिटिकल डिफरेंट वे में ड्रॉ होती है, प्रैक्टिकली डिफरेंट वे में ड्रॉ होती है। आज जो मैं आपको सेकंड जो मेथड सिखाने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन, वो एक ही बात है, लेकिन उसका सेकंड एक सीक्रेट मेथड है, जिससे कि मीन्स हम इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो एक दिन पहले ही हम कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो लाइक एंड डॉट की तरह काम करेगा और फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम उसे ज्यादा अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन चार्ट को रिवर्स करके हम रिवर्स ड्रॉइंग करते हैं, जब ड्रॉइंग करते हैं तो उसके अंदर में जो एरिया ऑफ वैल्यू मिलता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, हमें कौन से वाले एरिया ऑफ वैल्यू मिलते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग? जो एरिया ऑफ वैल्यू जो हमें मिलते हैं वो ट्रेंड के साथ वाले मिलते हैं। ऐसे ही होता है ना कि ट्रेंड इज ऑल योर फ्रेंड, कि हम अगर बाइंग का ट्रेड है तो हमें एरिया ऑफ वैल्यू बाई वाले मिलते हैं, ठीक है, हम बाई वाले के साथ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू मीन्स आपका सेलिंग एंट्री होता है, आपका बाइंग एंट्री होता है, ठीक है। एक जोन आपका सेलिंग बाइंग एंट्री या सेलिंग एंट्री एंट्री जोन, एक आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो ये आपका नंबर ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू इससे इंक्रीज हो जाते हैं, फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से प्रेडिक्ट होते हैं, और अगर इंट्राडे किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करना तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। मीन सेकंड मेथड, सीक्रेट मेथड है, मैं आपको कोई भी यूट्यूब पे बताता नहीं है, यूट्यूब पे क्या कोई नॉलेज होगा तब बताएगा ना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की, करें? हाँ सर। प्राइस अगर हायर हाई है, अगर हायर हाई है, ठीक है, या फिर प्राइस लोअर लो है, या फिर प्राइस साइडवेज है, ऐसे ही चलता, तीन तरीके से मार्केट चलता है या और भी कोई तरीका? हाँ, है सर। ऐसे ही चलता ना। तो थ्योरिटिक, हाँ, एक थ्योरिटिकल बात है जो कि बुक्स में भी है और सब लोग ये बताते हैं कि टू एंड मोर स्विंग्स को कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइंस बनता है, बनता है ना, टू एंड मोर स्विंग्स को कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइन बनता है। और अगर ये लोअर लो बना रहा है तो ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रॉ होगी, अगर हायर हाई बना रहा है तो नीचे ड्रॉ होगी, टू एंड मोर स्विंग्स हो गए। बट ये थ्योरिटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा ड्रॉ नहीं होता। इसके लिए आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, और YouTube पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड भी है ट्रेंड लाइन सीक्रेट्स के नाम पे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता एक बार दोबारा देख ले, बाकी आप सब लोग ट्रेंड लाइन तो सबको ही आता है यार, इसमें तो कोई मतलब कोई है नहीं, नया तो कोई भी नहीं है ना, दो दिन से ज्यादा ट्रेंड लाइन सबको आता है, चार्ट पर रिवर्स ड्रॉइंग करके वो सब सबको ही आता है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। या फिर साइडवेज जब मार्केट होगा, मैंने ये पूछना था कि चार्ट कितना रिवर्स करते हैं? जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, जब तक आपका मींस आपका ट्रेंड है, एक ट्रेंड, हम चार्ट को जूम आउट करके कैसे रिवर्स करते हैं, ऐसे रिवर्स करते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं, ये मैं यहां से ऐसे जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट जब ट्रेंड कैसे चेंज हुआ था, तो लास्ट जो ये चेंज हुआ था, ये आपका ये हुआ था ना, तो यहां से इस पॉइंट से हम कंटिन्यूसली रिवर्स ड्रॉइंग करते हैं, तो इससे हम करेक्टली क्या फाइंड आउट करते हैं, करेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं और एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे ऐसे एक्सटेंडेड लाइन ट्रेंड लाइन एक ही बात है, टू एंड मोर स्विंग्स को ये कनेक्ट करना अच्छी चीज है, ये ऐसे ही कनेक्ट हो, टू एंड मोर स्विंग्स को कनेक्ट करें, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सेपरेट, इसके ऊपर वो वीडियो जो वीडियो देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए, ठीक है, ऑलरेडी कई बहुत बार सिखा चुका हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंडेड लाइन ट्रेंड लाइन का ये सेकंड जो सीक्रेट जो मेथड, जिसे फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट करते हो, कैसे ड्रॉ होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये और कैसे ये वर्क करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार इसको डिजिटल व्हाइट बोर्ड बना लेते हैं, इसी को हम यूज कर लेते हैं। प्राइस जो है ऐसे चलता ना, या फिर ऐसे कैसे भी प्राइस का बिहेवियर एक सपोर्ट करते हैं, अब ट्रेंड है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव है ना, तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे ड्रॉ होगी ना, जी सर। चार्ट को रिवर्स ड्रॉइंग करके नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगी, लेकिन इसका जो सेकंड मेथड है, सीक्रेट मेथड है, वो ऐसे ड्रॉ नहीं होता, वो फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट करने के लिए प्राइस एक्सपेंड हो रही है या सिकुड़ रही है उसके अंदर पता लग जाए। ये मेथड क्या होता है कि चार्ट पे भी मैं आपको इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा,
कि आपका एक स्विंग्स होता है, एक स्विंग्स इधर का, एक इधर का लो, ऐसे अपोजिट साइड में ड्रॉ होता है। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, इससे एरिया ऑफ वैल्यू आपको ज्यादा मिलता है। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब ये सर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है? नहीं, हॉरिजॉन्टल्स नहीं होती, अभी मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू चार्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉ होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ठीक है। एंगल चार्ट जैसे बनेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइस जो है ना, प्राइस एकदम 90 डिग्री के एंगल से अप डाउन नहीं होता, प्राइस ऐसे चलता है। मीन्स आप जब क्या करते हैं, जब आपका प्राइस, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस क्या होता है, ऊपर ऐसे जाता है और आप यहाँ पे सेल करते हो और आपका ऐसे ऐसे ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे प्राइस ऐसे धीरे धीरे जाता रहता है, फिर गिरता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड लाइन उसके अंदर वर्क करती है लाइक ए डॉट, ठीक है। दूसरी चीज मैं अभी चार्ट पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, चार्ट पे कैसे ड्रॉ होती है। अभी इससे मीन्स आपको कल ट्रेडिंग करनी है तो एक दिन पहले से किसी भी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी चेक करने के बाद उसका क्या रेंज रहेगा, एक रेंज में प्राइस किधर ऊपर जाएगा, किधर नीचे जाएगा, और ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, वो पूरा प्रेडिक्ट हो जाएगा एक दिन पहले से। मैं आपको बताता हूँ, इधर से जाएंगे चार्ट पे, चले जाएं चार्ट पे। हाँ सर, जी सर, जी सर। देखिए इसके फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट होता है, ये सेकंड मेथड है। जब आप उसके साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट होता है अच्छे से। एक्सटेंडेड लाइन यहां से लिया, जैसे एक स्विंग ये था, यहीं से स्टार्ट करने। ओके सर, जी जी, ये सर एक स्विंग ये था और अपोजिट साइड में इसके ये स्विंग हाई था, है ना? हाँ सर, हाँ यस। ये कब बना था, 5 जून को, और उसके बाद में आपको लाइक ए डॉट मिला या नहीं मिला, मतलब 5 जून का इवन आपको 28 अगस्त कितना फ्यूचर में, फ्यूचर के अंदर इतना लाइक ए डॉट की तरफ काम करा, जबकि इधर कहीं से भी इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन का जो सेकंड मेथड होता है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी लाइक ए डॉट काम किया है। यहां पे मैं प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब आपको सिखाता हूं, ब्रेकआउट मिला ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस क्या नीचे क्लोज हो गया। अभी नीचे का भी कंफर्मेशन नहीं है, जब तक ये ऊपर एक बार नहीं जाता, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता, देन स्टेपल लाइन ड्रॉ करेंगे, तब आपका एसबीआई नीचे जाएगा। एसबीआई मैंने आपको बोला 250 के आसपास एक बार एक पेंडिंग है इसका व्यू, तो आप इस जोन के अंदर ये आ सकता है, बोला था ना? जी सर। एक एक्सटेंडेड लाइन ये देखिए कैसे ड्रॉ होती है प्रैक्टिकली, और फ्यूचर नेक्स्ट डे के लिए कैसी, लाइक इंट्राडे के लिए कैसे काम करती है और फ्यूचर के लिए कैसे काम करती है, दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इधर देखिए, अगेन अगेन और कोई मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको इसको मैंने मिलाया, मिला, ये कैसे काम किया, परफेक्टली। तो आप वैसे हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करने जाएंगे, वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं बहुत पुराना मेथड हो गया, वो काम नहीं करते इंट्राडे के अंदर, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल भी काम नहीं करते। लेकिन ट्रेंड लाइन के जो सेकंड जो सीक्रेट मेथड है ये कोई नहीं बताता, इस मेथड पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। आप जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे कनेक्ट करिए, कोई किसी ना किसी पॉइंट पे प्राइस आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स किसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये प्राइस तो ऊपर चला गया, इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। जो जो बना सकते हैं बनाइए, ये आपका ठीक है, लेकिन प्राइस इस रेंज में जाता तो होता, गया ही नहीं। बड़े बड़े जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। ड्रॉइंग का जो तरीका आपका, ये देखिए, ये नेगेटिव होगा लेकिन प्राइस इधर गया ही नहीं, ठीक है, जो आपको काम बहुत आएंगे। आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये काम कर गया ना, क्या काम किया, लाइक ए डॉट काम किया है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली वैसे ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करते थे, काम नहीं करते। तो इसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। मास्टरी कैसे करेंगे, जब हम स्किल्स इंप्रूवमेंट करेंगे, मीन्स आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे लाइव मार्केट में बना के दिखाएंगे, उसके बाद कोई भी डाउट आप लाइव मार्केट में पूछेंगे, तभी तो मैं कर पाऊंगा यार,
बने बनाए चार्ट पे तो कोई फायदा नहीं है ना किसी भी चीज का, या फायदा है आप मुझे बताइए। इसे हम लर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए ड्यूल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको दोनों को ब्रेक किया 90 डिग्री से, अगर ऊपर जाता तो एसबी नीचे जाएगा, बहुत बड़ी डाउनसाइड खुलती है एसबी की, बहुत बड़ी डाउनसाइड खुलती है। बट एक एक सपोर्ट है एसबी का यहाँ पे, एक सपोर्ट है यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये सपोर्ट है एसबी का यहाँ पे, दो दो सपोर्ट है, ब्रेक करेगा ना एक्सटर्नल लाइन, यहाँ से ड्रॉ किया ये आपका, ठीक है क्या रेंज है, क्या रेंज है ये वाली, अगर इस रेंज में आएगा तो यहाँ पे 211। तो मैंने 250 के आसपास आपको सब लोगों को एवरेज करने के लिए बोला ये वाला, क्योंकि एक्सटेंडेड लाइन का एक सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक्सटेंडेड लाइन का ये सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये हाई है, ठीक है ये लो है, ठीक है तो ये आपका सपोर्ट आ रहा है 250 के आसपास। तो ऑलरेडी मैं सब आप सब लोगों को बताता हूँ कि 250 के पास एसबीआई है, बिल्कुल एवरेज आउट कर लीजिए, डरने की जरूरत है ही नहीं। विद एसएल 180 के साथ लॉन्ग कर लीजिए लंबे टाइम तक के लिए, आपको रिटर्न देके जितना भी नीचे जाए बाय कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये तो आपके फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेकंड मेथड से लैंड करने की बात होगी, इंट्राडे के अंदर कैसे काम करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ, पहले हम डिजिटल व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है आप मुझे ये बताइए, ठीक है किसी भी स्क्रिप्ट, आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूँ, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या इंसानों से अलग हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, इसको ड्राइव ही इंसान करता है, तो उससे अलग हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट का बिहेवियर। तो जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ, हम डेली एक रूटीन में कोई चीज करते हैं, मीन्स टाइम से ऑफिस जाते हैं या फिर जिस टाइम पे जाते हैं या फिर डेली हम वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक एवरेज करते हैं डेली, मीन्स कभी कभी तो ऐसा होगा कि अगर रेगुलरली हम 2 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे हैं, 2 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे हैं, उसके बाद किसी दिन तो ऐसा होगा, किसी दिन ऐसा होगा कि कोई जरूरी काम हो गया तो हम ज्यादा चले गए, या किसी दिन हो गया हम गए ही नहीं, यही तो हो सकता है। बट एक डेली का एवरेज भी तो आता है नहीं आता, ठीक है तो स्टॉक्स पे भी वो बिहेवियर होता है कि किसी भी स्टॉक की, कोई स्टॉक्स हो इंडेक्स हो वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट की, एक डेली वोलेटिलिटी होती है। ध्यान से समझिए इंट्राडे के अंदर कैसे काम आए, कोई भी समझ में नहीं आ रहा दोबारा ट्यूशन कर लीजिए, बट समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो अभी भी इतने लेट लेट आ रहे हैं। एक कोई भी स्क्रिप्ट है, ठीक है यहाँ पे न्यूट्रल है, वो आज क्लोज हुई 3:30 बजे के बाद, कल किसी स्क्रिप्ट के एनालिसिस करना है, ठीक है ये सेकंड मेथड है, सीक्रेट मेथड, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ इंट्राडे के लिए, मतलब कल काम करना आपका, उसको एक दिन पहले ही पता लग जाएगा। किसी भी स्क्रिप्ट मान लीजिए यहाँ पे ये, जैसे ये स्क्रिप्ट आपकी क्लोज हुई, ठीक है तो किसी भी स्क्रिप्ट की जो डेली वोलेटिलिटी होती है, सबसे पहले तो हमें वो चेक करना कि किसी भी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी कितनी है। मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी 4% है, ठीक है तो सेम बिहेवियर वाली बात होगी, 4% है मीन्स वो 2% ऊपर जाएगा और वो, या फिर 2% नीचे जाएगा, ठीक है तीन ही पॉसिबिलिटीज होती है, मैं आपको बताता हूँ वो तीनों की तीनों लाइक डॉट कैसे काम करती है। मैं आपको इंट्राडे के अंदर प्राइस ऐसे ही करता है, अगर ऊपर खुला नीचे आ जाएगा, नीचे खुला ऊपर चला जाएगा, 90% टाइम प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है। तो 4% मीन्स 2% वो ऊपर गया, 2% नीचे गया, तो डेली वोलेटिलिटी एक ही दिन के अंदर खत्म होगी। मीन्स अगर वो 2% ऊपर खुला तो एंड ऑफ द डे तक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, मतलब आसपास क्लोज हो जाएगा, ऐसे पत्थर की लकीर नहीं होता कुछ, या फिर ऐसे 2% नीचे गया तो यहाँ पे आसपास क्लोज हो जाएगा। तो 4% के अंदर डेली एक एवरेज के अंदर, मींस हम जब वॉकिंग करने जाते कुछ भी जाते तो आगे घर ही लौटते हैं ना, घर ही आते हैं ना। बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि पहले से हम तैयार होकर चले गए और हम कहीं निकल गए, वो अलग केस है ना, यानी समझ में आ रहा है ना। तो सेम ये स्क्रिप्ट पे भी लागू होता है कि मींस अगर डेली का एक नॉर्मल उसका रूटीन है, नॉर्मल उसका एक वोलेटिलिटी है किसी भी स्क्रिप्ट का, अगर वो 2% ऊपर गया तो 2% आ गया तो उसका दिन ही खत्म हो गया, या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो कोई भी स्क्रिप्ट डेली ऐसे ही बिहेव करती है, आप इंडेक्स ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, आप कंफ्यूजन हो जाता है किसी किसी दिन। सर
क्वेश्चन है, मतलब डेली वोलेटिलिटी कैसे पता चलती है, मतलब कहीं होता है, कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको? अभी मैं क्लास फिनिश कर दूं पूरी तो आपका उसके बाद सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कोर्स जो डिजाइन है आप लोगों को सिखाने का, इसमें एक भी टॉपिक छूटता नहीं। आपको कहीं लगता है कि ये डेली वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, बाकी चीजें कैसे चेक करेंगे, कुछ कुछ भी है ना, आपको बिना बोले आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार चीजें कंप्लीट होने दीजिए, आपको सब चीजों का जवाब मिले, क्योंकि ऐसे तो डिजाइन ही नहीं है। मीन्स मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ सिखाने के लिए कि हर चीजों को इस तरीके से डिजाइन कि आपका कोई सवाल ही नहीं रहे। आप लोग क्लासेस करते हो और भी बोलते हो सर मेरा सवाल है, मैं बोलता हूँ इस पार्ट के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा, 3 दिन के बाद आप खुद बोलते हो सर जवाब मिल गया। कोर्स इस तरीके से डिजाइन है तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर। दूसरा सिनेरियो एक हो सकता है कि जैसे कि हम वॉकिंग जा रहे हैं कि घर से बाहर ही निकल गए और घर ही नहीं है, तो वो अलग चीज है कि एक ही दिन में स्क्रिप्ट वो डेल 4 या 5% वो तो ब्रेकआउट मिल जाएगा ना इधर, कि इधर भाग गया, ऊपर भाग गया, नीचे भाग गया, ये पॉसिबिलिटीज है ना? हाँ सर, जी सर, ये पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी और है, सेम इंसानों जैसा स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो बिलीव योरसेल्फ, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, प्राइस के बिहेवियर को समझो, टाइम लगेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी उसके लिए, हवा में कोई चीज नहीं। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ तो ये 16 साल की स्किल्स की बात करो, ये हवा में नहीं होती सब चीजें। तीसरी चीज आपकी पॉसिबिलिटी है, जैसे हम घर से गए नहीं बात, घर में गए नहीं तो या तो सोए रहे या फिर थोड़ा बहुत इधर तो वॉक कर लिया, तो सेम किसी भी स्क्रिप्ट के लिए बिहेवियर लागू हो गया कि वो आपका साइडवेज हो गया, मींस वो 1% एक आधा परसेंट बढ़ा, 1% वापस नीचे आ गया, वो साइडवेज ही रहा। तो तीन ही कोई भी स्क्रिप्ट जो होती है नेक्स्ट डे जो मूवमेंट करेगी, या तो वो नॉर्मल 90% टाइम जो जिसका नॉर्मल बिहेवियर है, जैसे नॉर्मल बिहेवियर है कि 2% अगर 4% वोलेटिलिटी है तो 2% ऊपर गई, 2% दिन में लुढ़क गया और जहां था वहीं क्लोज हो गया, या फिर 2% नीचे गया, 2% फिर ऊपर था, जहां था वहीं क्लोज हो गया, या फिर वन वे वो 4 या 5% बढ़ गया, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना? जी सर, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर क्या हो गया, वो कि वो रेंज बाउंड हो गया। ये वर्ल्ड की ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट पे लागू होता है, वर्ल्ड की आप कोई भी स्क्रिप्ट को ले लीजिए कि कोई भी स्क्रिप्ट डेली वोलेटिलिटी के हिसाब से चलती है, उसके बिहेवियर के हिसाब से चलती है, उसको अंडरस्टैंड करना हमारा काम है। अब आ जाते हैं हम कि डेली वोलेटिलिटी किसी भी स्क्रिप्ट की कैसे चेक करें। तो अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो NSE की वेबसाइट पे जाइए, पहले वोलेटिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद हमारे जो एक्सटेंडेड लाइन का जो सीक्रेट मेथड है उस मेथड से हम चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, नेक्स्ट डे कैसे यूज करें वो मैं बताऊंगा। और एक चीज और बताऊंगा कि जो फोर्थ पार्ट में एडमिट होते हैं उसमें उन लोगों के लिए एक ऐसा सेटअप है कि जैसे हमने किसी भी स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई किया, वो 5 मिनट्स में एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में वो बिहेवियर कर रही है, ठीक है? और उसके बाद हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सटेंडेड लाइन के सेकंड मेथड के थ्रू करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद हम SL जो प्लेस करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं, मीन्स 95% हम SL छोटा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस लेवल की स्किल्स है। और टारगेट हम कैसे बुक करते हैं, टारगेट हम बुक करते हैं 5 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रखा, स्टॉप लॉस हमने 1 मिनट वाला लगाया, हमारा टूटेगा ही नहीं, और टारगेट हमने 1 आवर के अकॉर्डिंग बुक किया। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपका प्राइस का जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो कैंडल होती है वो इतनी बड़ी बन जाती है कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ही नहीं होता। आप मैक्सिमम केसेस में देखते हैं बैंक निफ्टी की 5 मिनट की ब्रेकआउट कैंडल भी 250-300 पॉइंट की होती है ना। जब इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनेगी आपका रिस्क रिवार्ड ही फेवरेबल नहीं होता, वो तो फिर आपका आप बिजनेस नहीं करने कर रहे ना, आप गैम्बलिंग कर रहे। कोई भी बिजनेस तो रिस्क रिवार्ड के साथ होता है कि अगर रिस्क रिवार्ड सही है तो कर सकते हैं, अगर रिस्क रिवार्ड सही नहीं है तो नहीं कर सकते, ऐसा सही है? सही कह रहा हूँ, आवाज आ रही सबको मेरी? ठीक है, सही कह रहे हैं सर। NSE की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है? क्लिक हेयर मतलब मींस ओल्ड वाली वेबसाइट मैंने खोली है, ठीक है? आप कोई भी स्क्रिप्ट, मान लीजिए मैंने अभी SBI आपको एक्सप्लेन करा था, SBIN लिख दिया मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर दिया, अभी ओपन होगा, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है? कहाँ पे? गेट डेरिवेटिव क्वोट्स में, इधर जाएंगे तो इसमें अदर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन, किसी भी स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या है इसकी डेली वोलेटिलिटी कितनी है SBIN की, 2.66, yes.
एनुअलाइज वोलेटिलिटी कितनी 50% मींस आपको जो चीज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वो चीज भी मैं सिखाता हूँ मींस प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस एक्शन तो मैं आपको सिखाता ही सिखाता हूँ इवन आपको उसके साथ साथ लाइफ की वैल्यूज भी देता हूँ ठीक है उसके साथ साथ प्राइस एक्शन के आउट ऑफ कोर्स जाके बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाता हूँ जो आपको एक्सपेक्टेशन देनी थी और उसके बाद कोर्स खत्म होने के बाद चैप्टर भी देता हूँ और उसके बाद लाइफ टाइम साथ में भी रहते हैं शायद ही इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई करता होगा आप लोग जानते हैं तो मुझे बता दीजिए मैं भी सीख लूंगा बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सही है सर मैं भी सीख लूंगा ना यार क्या बता सीखने में कोई बुराई नहीं लाइफ तो एंड ऑफ लाइफ तक हम सीखते ही है ना जिस दिन हमने सीखना खत्म कर दिया उसी दिन हम खत्म हो गए ना मींस लर्निंग तो पूरी लाइफ ही रहती है अगर अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी हम भी सीख लेंगे क्या प्रॉब्लम है यस सर सीखने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यहाँ से आपको डेली वोलेटिलिटी पता चल जाएगी पता चल गई किसी भी स्क्रिप्ट के आप ऐसे पता कर सकते हैं मान लीजिए आपको इंडेक्स की पता करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है इक्विटी डेरिवेटिव आपको निफ्टी बैंक की पता करना है निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की आप पता कर सकते हैं निफ्टी निफ्टी बैंक आ गया निफ्टी बैंक यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इसकी देखिए इसकी अदर इंफॉर्मेशन में गए आ गया जी ठीक है 2.14 मींस डेली वोलेटिलिटी इतना है ऑन एवरेज निफ्टी बैंक की हाल फिलहाल की ठीक है बट ये चेंज होती रहती है इसलिए आप टाइम टू टाइम देखते रहिए बट आपको एक आइडिया मिल गया ना मीन्स एक स्क्रिप्ट की अगर डेली वोलेटिलिटी अगर 2.25% है किसी की 3% हो जाए किसी टाइम किसी के साथ 4% हो जाएगी तो एक आइडिया रहेगा तो क्या होगा आप एक्सटेंडेड लाइन को हम पास से गुजार सकते हैं कैसे गुजार सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मीन्स आप इंडेक्स फ्यूचर है कौन से मंथ का है ठीक है सारा आप चेक कर सकते इसका डेटा चेक कर सकते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम वैल्यू VWAP क्या होता है volume weighted average price yes price उसके ऊपर है या नीचे ये सब इंडिकेटर वगैरह फॉलो मत करी कुछ इंडिकेटर फॉलो करने से कुछ नहीं होता इधर भी इंफॉर्मेशन है ऑप्शन चेन हम नहीं एनालिसिस कर प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस एक्शन आपको मार्केट स्ट्रक्चर को और आपको प्राइस जो है आप उसको अंडरस्टैंड करके उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं तो प्राइस एक्शन लर्न करते हैं तो आपको हर चीज को इतना सिंपलीफाई करके देता है कि आप पैसा बना सकते हैं देखिए किसी भी चीज को इतने ओवर एनालिसिस करके कॉम्प्लिकेटेड करके पैसा नहीं बनाया जा सकता कॉम्प्लिकेटेड करके चीजें नहीं बन सकती इंट्राडे के अंदर आपका एनालिसिस बहुत ही सिंपल होना चाहिए जस्ट आपको अपनी आईज को ट्रेंड करना है मींस आपको प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है आईज को ट्रेंड करना है करेक्ट आपका एंट्री होना चाहिए करेक्ट SL होना चाहिए टारगेट आपका प्री डिसाइड होना चाहिए और जिस भी स्क्रिप्ट पे काम करो उससे पहले उस स्क्रिप्ट का आपके पास एक फिक्स सेटअप होना चाहिए उसी पे आप काम करें मींस आप एक स्क्रिप्ट पे करो तो एक टाइम पे एक ही स्क्रिप्ट पे काम करें ऐसा नहीं कि अभी SBI पे करो टाटा स्टील पे करो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी करो इतना एनालिसिस करके आपका दिमाग हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि एक साथ इतने एनालिसिस करते हैं एक स्क्रिप्ट पे अगर हम महारत हासिल कर लेंगे तो वर्ल्ड की सारी स्क्रिप्ट पे कर लेंगे और सारी पे करने की कोशिश करेंगे तो एक पे भी नहीं कर पाएंगे तो इसलिए लर्निंग जरूरी है विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग होती नहीं लर्न करना ही पड़ेगा किसी का कोई सवाल है मैं भी एक्सटर्नल लाइन का सेकंड मेथड चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करें मींस हमें SBI के चार्ट पे हम काम करें तो SBI की हमें वोलेटिलिटी पता चल गई कि उसकी वोलेटिलिटी कितनी है दोबारा देख के बताओ 2.66 तो ऑलमोस्ट एक आइडिया ले लो ना यार 3% वोलेटिलिटी है मींस एक आइडिया तो लेना है कि एक्सटेंडेड लाइन जब आप निकालोगे तो नेक्स्ट डे के वो पास से गुजरेंगे तो आपका अगर 2% ऊपर बढ़ गया और नीचे 2% लुढ़क गया तो ठीक है ना आपके लिए ठीक है ना कि 2% ऊपर बढ़ गया आपको सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है समझ रहे हो बट जो आपको ये प्राइस के बिहेवियर का सपोर्ट है रेजिस्टेंस करेक्टली पता लग गया अभी भी मैं आपको बताऊंगा ये आपको करेक्टली पता लग गया लेकिन जब इस पे काम करने जाएंगे आपको सब चीजें पता लग जाएंगी तो इसके लिए हम SL को रिड्यूस भी तो करते हैं करेक्ट एंट्री भी तो करते हैं पता लगे कि प्राइस आपको करेक्ट ऐसे यहाँ पे SL पता लग गया और यहाँ पे ऐसे आपने सेल कर दिया और प्राइस पहले आपका SL तोड़ रहा फिर नीचे जा रहा है या फिर करेक्ट ऐसे बाई कर लिया पहले आपका SL तोड़ रहा फिर ऊपर जा रहा है ये है ना या फिर आपका क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन कैंडल ही इतनी बड़ी हो जा रही है कि आपका रिस्क रिवार्ड ही फेवरेबल नहीं हो रहा ऐसे ब्रेकडाउन कैंडल तो ये सब चीजें तो एक फिक्स सेटअप पे हम काम करेंगे आपको पार्ट प्राइस एक्शन के अंदर जो मैं 4 पार्ट के अंदर 1 मंथ के अंदर आपको जो प्राइस एक्शन सिखाता हूँ तो फर्स्ट पार्ट के बिना पैसा कभी नहीं बनेगा लेकिन पार्ट 4 के अंदर जो मैं प्राइस एक्शन के आपको सेटअप देता हूँ उसके बिना भी नहीं बनेगा क्योंकि
काम तो लाइफ टाइम आपको एक सेटअप के ऊपर काम करना है ना, ऐसे डेली कुआं खोदेंगे डेली पानी पियेंगे ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फर्स्ट पार्ट के बिना पैसा बनेगा ही नहीं, लेकिन पार्ट फोर के बिना भी नहीं बनेगा, मतलब उसके पार्ट वन के बिना भी नहीं बनेगा। तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट से सीखना पड़ेगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। आपने एक्सटेंडेड लाइन का सेकंड मेथड सीख लिया, ट्रेन लाइन आता ही नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, एरिया ऑफ वैल्यू आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आधा अधूरा नॉलेज होगा ना। मैं सीक्रेट चीजें सीखने से कोई फायदा नहीं है। बेसिक मान लीजिए, मैं आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको सिखा दिया ड्राइव करना, आप 120 में ड्राइव कर, आपको हेडलाइट गाड़ी की ऑन करनी ही नहीं आती, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। रात को कैसे गाड़ी चलाओगे फिर? जी सर, फाउंडेशन बेसिक से ही बनता है सर। यस, बेसिक्स आपको पूरा सीखना है। हर कोई भी बिल्डिंग, अगर बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे बिना नींव के वो टिकती नहीं है। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करिए, पूरा सीखिए, पूरा सीखने के बाद एडवांस बाद में, एडवांस चाहिए जी, ऐसा नहीं कि स्किल स्किल एडवांस चाहिए और उसके बाद सेटअप, उसके बाद ही पैसा बन सकता है, ठीक है? बट बेसिक्स के बिना कुछ। अब इसको एक्सटेंडेड लाइन को हम चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंटेशन कर, इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? यहां से एक बार जो भी हमने ड्रॉ किया वो एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? देखिए आपको मैंने फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ करते, एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ करते हो, फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट हो जाएंगे, वो ठीक है। वो फ्यूचर के वो हमेशा हमें लॉक करके चार्ट को ड्रॉ करते रहना, टाइम टू टाइम चेक करते रहना। इंट्राडे के अंदर हम ट्रेडिंग करें तो उसके लिए कैसे बेनिफिशियरी है, ठीक है? अगेन इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगे, एंट्री एग्जिट टारगेट, ठीक है? वो तो हम पूरा कोर्स में सीखेंगे तब उसमें आ जाएगा। बट लाइक ए डॉट कैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट किया जाए, तो आप 5 मिनट के चार्ट को ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दीजिए, ठीक है? चार्ट को मैं इधर करता हूँ थोड़ा, अभी तो इसको डिजिटल व्हाइट बोर्ड बना के रखा होता, ठीक है? SBI की डेली वोलेटिलिटी हमने कितनी चेक करी अभी? 2.66, ऑलमोस्ट 3% मान के चलो, ठीक है? देखिए एक तरीका बता दो, बहुत ही सिंपल तरीका, कैसे क्या करना है। ये 23 तारीख है ना, 23 सॉरी 25, कल 25 थे, आज 26 है, आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को हम क्लास कर रहे हैं, yes, कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे इसलिए। yes, 25, 24 तारीख को मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे? क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका? क्लोजिंग 279, 279, 279, एक मिनट, 25 मार्केट तो यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पे 15-25 पे 284.80, 284.80 ना, नहीं क्लोजिंग प्राइस है 284.50, 284.50 ये ना। तो इसको मार्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इंसानों जैसा ही स्टॉक मार्केट का बिहेवियर होता है, इसकी डेली वोलेटिलिटी 2.66 है, तो इसकी एक नॉर्मल जो रेंज होगी, नॉर्मल रेंज होगी मतलब 1.5%, 1.5%, 1.5% अप्रोक्सीमेटली मान के जो, मतलब 1.5% ऊपर जाएगा, तो 284 का 1.5% कितना होता है एक नॉर्मल रेंज? 3.75%, मतलब 3.75 रुपये, हाँ हाँ वही 4 रुपए के आसपास, ठीक है? तो 288 ऑलमोस्ट, तो एक ही हो गया। और नीचे की साइड 200, नीचे की साइड 280 से नीचे, मतलब एक नॉर्मल रेंज होगी जी सर, ठीक है? एक नॉर्मल रेंज होगी, एक अगर ये वन वे जाता तो 3% ऊपर चला जाता, तो 3% मतलब ऑलमोस्ट 9 रुपए, तो 284 है तो 9 रुपए आपका 293 हो गया ना, एक 293, तो एक इधर की रेंज होती जी सर। एक नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती, 284 से 275, यस इधर 275, ठीक है? एक तो ये रेंज होगी, होगी ठीक है? एक अगर प्राइस हो सकता है 1-1% मतलब आधा हो गया ना उसका, अगर 2.66 है तो 2.5 हो गया, तो 1.25% होगा, मतलब आधा परसेंट ऊपर होता, आधा परसेंट एक नॉर्मल रेंज आपकी यहाँ था, तो प्राइस एक नॉर्मल रेंज मतलब आपका 1.5 रुपये बढ़ता, 286 के आसपास, 87 के आसपास जाता, और एक 1.5% इधर होता, ठीक है? मिस मेरे कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझ में दोबारा पूछ लीजिए, कि आपके एक नॉर्मल रेंज ये आपकी होगी, एक रेंज बाउंड मार्केट की, तीन रेंज बनाई दिल्ली की,
डेली वोलेटिलिटी को देखते हुए तीन रेंज बनाए, ठीक है। अगेन आपने एक रेंज बनाई एक नॉर्मल वोलेटिलिटी को देखते हुए कि ये 1.5% ऊपर जाएगा, 1.5% नीचे जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे एक अपने आई कैचिंग पावर के थ्रू थोड़ा सा चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने एक स्क्रिप्ट की तीन रेंज बनाई उसकी वोलेटिलिटी को देखते हुए। एक रेंज आपने जो डेली नॉर्मल भागता है कि 4% वन वे बना दो, इतना ही ऐसे ही होता है, ठीक है। ये बड़ा ही लाइक ए डॉट काम करता है, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोर्थ पार्ट में जब सेटअप दूंगा ना, सेटअप पे पैसा बने, इसके ऊपर सेटअप है कि हम स्टॉप लॉस को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ले, तो क्या करना है, ठीक है। ये आपने बना दिया तो ये आपको एक पॉइंट्स मिल गए, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया, और आपको ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया। ये क्या, ये प्राइस के एरिया ऑफ वैल्यू मीन जो हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, प्राइस के डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस का जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपके एरिया ऑफ वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि एक दिन पहले किसी भी स्क्रिप्ट में आपको ऐसा ही 3:30 बजे बाद मार्केट बंद हो जाए, अगले दिन किसी स्क्रिप्ट को अगर काम करना उसका बिहेवियर समझना है तो आपको पहले से क्या करना है, यहाँ पे मार्केट क्लोज है, ठीक है, चार्ट को यहां से जूम आउट कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए, ठीक है, जितना कर सकते कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, जो एक्सटेंडेड लाइन का जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको, एक्सटेंडेड लाइन का सेकंड मेथड बता रहा हूं कि जैसे मैंने इधर आपको बताया थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो जूम आउट, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये जो तीन लाइनें बनाई ना एक नॉर्मल ऐसे मैंने ज्यादा पास पास में बना दी, ठीक है, ज्यादा पास पास में बना दी, ठीक है, आप अच्छे से बनाइए, जैसे मैंने ऐसे बनाई, इस तरीके से एक बनाइए, एक आइडियल रेफरेंस लेकर के, ये मतलब एक पत्थर के लग के नहीं, थोड़ा बहुत इसके इसके ट्रेंड लाइन पास से गुजारनी है, एक्सटेंडेड लाइन जो है सेकंड मेथड के थ्रू इसके पास से गुजारनी है, हो सकता है यहाँ से गुजर जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा यहाँ से गुजर जाए, हो सकता है थोड़ा कट जाए, ऐसे आपको आस पास से जितने भी गुजर रही है तीन लाइन ऊपर तीन लाइन नीचे उसके आस पास से आप गुजारिए, आपको करेक्टली नेक्स्ट डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको करेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिए कोई भी पॉइंट होगा सर, पॉइंट कौन सा लेंगे, स्विंग पॉइंट कौन सा लेंगे, कोई भी पॉइंट प्रीवियसली चार्ट में देख करके लास्ट 10 दिन 15 दिन 20 दिन का कोई भी पॉइंट हो, लाइंस वो आपको गुजारने जो इसके इस एरिया के इस जोन के अंदर मींस आपका वो रेडार जोन है, ठीक है, उस जोन में उस जोन के अंदर प्राइस को कैच करना आपको। ये जो जोन है ना मींस मेरे कहने का मतलब आपका ये जो मैंने आपको किसी भी स्क्रिप्ट का एक जोन बता दिया, किसी भी स्क्रिप्ट का आपको एक जोन बता दिया, ये वाला बता दिया ना, तो आप जो एक्सटेंडेड लाइन जो निकालोगे 15-20 दिन महीने का लास्ट का चार्ट देख लो, ठीक है, जो बेस्ट बेस्ट पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे, तो इनके पास से आपको एक्सटेंडेड लाइन गुजारनी है, तो ऑटोमेटिकली तीन ऊपर रेजिस्टेंस तीन नीचे सपोर्ट आपको जो एक्सटेंडेड लाइन का सेकंड मेथड है उसे करेक्टली फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि अब देखिए ये इंट्राडे में हॉरिजॉन्टल के काम नहीं करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस आपके अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड लाइन के सेकंड मेथड के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो लाइक ए डॉट काम करते हैं। ये समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं, चार्ट को जूम आउट सर एक बार थोड़ा रिकैप कर देंगे, ये लाइंस का जो ड्रॉ किया आपने, लाइंस का क्या करना है, मतलब ये जो है ये जो तीन लाइंस जो आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए हैं, ये वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ किए हैं ये कितने परसेंट के हिसाब से किया आपने? देखो किस यहाँ पे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है, तो किसी भी स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी सपोज करते हैं 10% है, सपोज करते हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल एवरेज ये होगी कि 5% वो ऊपर जाएगा, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, एक ये हॉरिजॉन्टल तो आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको ड्रॉ मतलब 2-4-5 बार करेंगे तो आपको ड्रॉ भी नहीं करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब आपको जस्ट चार्ट देखते ही समझ में आती है 5% ऊपर 5% नीचे वो तो माइंड से कैलकुलेशन होता है, ठीक है, अगेन एक नॉर्मल रेंज होगी, ठीक है, एक 10% सीधा ऊपर होगा, एक 10% नीचे होगा, एक बिल्कुल ही रेंज बाउंड रहेगा प्राइस की, अगर 10% है तो आपका उसका आधा लगा लीजिए 5% का, 50% 2.5% इधर हो गया, 2.5% इधर हो गया, जस्ट सिंपल है, मींस आपका डेली वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे प्राइस ऐसे ही बिहेव करेगा, एवरेज स्क्रिप्ट ऐसे बिहेव करती है। जी 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 समझ गया, मतलब एक बार तो जैसे 3% अगर है जैसे एसबीआई का था, एक बार तो हमने रेंज बाउंड ले लिया 1.5% ऊपर नीचे, एक बार 3-3% ले लिया जो एक्चुअल है उसकी, और फिर एक हमने 4.5% ले लिया,
देखिए एसबीआई का आपका 3.66 डेली वोलेटिलिटी है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने 3% मान लिया, ठीक है, 3% मान लिया, तो हमने सपोज करते हैं प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, तो 3% एक तो आपका ऊपर हो गया, एक आपका 3% नीचे हो गया ना, एक आपका 1.5% यहाँ हो गया, एक 1.5% यहाँ हो गया और एक 1.5% यहाँ हो गया, एक 1.5% का आधा कितना होता है, मतलब 0.75% इधर हो गया, 0.75% इधर हो गया, सिंपल है ना, मतलब आपका रेंज बाउंड की एक रेंज भी निकल गई, आपका नॉर्मल जो बिहेवियर होता है प्राइस का डेली जो वोलेटिलिटी है उसकी रेंज निकल गई और एक हायर रेंज निकल गई, नहीं तो होता है, प्राइस तो डेली ऐसे ही बिहेव करता है किसी भी स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो अब देखिए मैं रिमूव ऑल ड्रॉइंग टूल्स कर देता हूं एक बार, ठीक है, एक बार आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा ड्रॉ कर देता हूं यहां से, ले ठीक है। तो एसबीआई कहां क्लोज हुआ था, यहां पे एक मिनट, यहां क्लोज हुआ था, ठीक है, तो एक रेंज तो आपकी 284 से लेकर के आपकी मतलब 2.66% आपका हो गया, 6, 2, 8, 7 रुपए हो गया, ठीक है, 284 से लेकर के आपका 293 हो गया, तो एक रेंज आपकी 293 की होगी ऑलमोस्ट ये, ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज होगी ना, जो नॉर्मल प्राइस बिहेवियर नहीं करता, इधर 275 के आसपास आएगी, ऊपर कर देता हूं, आगे ना 275 के आसपास आएगी, ठीक है, जब एक्सटेंडेड लाइन इसके पास से गुजारोगे ना तो वो लाइक एक डॉट की तरह काम कर जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक रेंज तो आपकी ये होगी, एक रेंज आपकी 1.25% की होगी, मींस आपकी 4-4 रुपए की होगी, एक रेंज आपकी ये होगी, होगी ना ऑलमोस्ट एक रेंज ये होगी, ठीक है, और एक रेंज आपकी बिल्कुल ही डल हो जाएगा, मतलब 2-2 रुपए की होगी, ऐसे होगी ना जी। तो ये प्राइस इंट्राडे के अंदर इन तीन रेंज के अंदर ही चलेगा, मींस ऊपर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, वन वे तो वो ट्रेंडिंग मार्केट होगा, उसमें तो हमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है ना, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन ये देखिए, ये देखिए प्राइस कहाँ है, एंड ऑफ द डे तो वो वही रहेगा ना, प्राइस कहाँ हो गया, अब आप क्या करिए, एक्सटेंडेड लाइन का जो सेकेंड मेथड है, ठीक है, ये आप ड्रॉ करिए, क्या इस रेंज के आसपास इस अगले दिन में क्या हुआ उसको भूल जाइए, मतलब आपको 3:30 बजे के बाद कर लेना किसी भी स्क्रिप्ट में, अगले दिन क्या हुआ उसको भूल जाइए, अब ऐसे ड्रॉ करिए इस तरीके से कि आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं, इजीली ढूंढा जाएगा, ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए जो कि इनके पास से निकले, 3 पॉइंट्स ऊपर 3 पॉइंट्स नीचे, है क्या ऐसे कोई पॉइंट, ये तो क्या गजब का काम किया है ना, ठीक है, इसके पास से निकले, और भी देख लेते हैं और कौन से पॉइंट है, ये तो मिला ही नहीं, ठीक है, ये मिला, ठीक है, ये मिला, ठीक है, तो ये रेंज आई नहीं आई ना, अगले दिन देख लेते हैं, तो ऐसे आप प्रॉपर जब ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजीली, ये तो लाइक ए डॉट काम कर गया, बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है, एक रेंज और निकाल लेता है, इधर कुछ आ रहा है क्या, इधर कुछ है, ये नहीं है, ये ऐसे इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगी, इस तरीके से ड्रॉ होगी नहीं, ठीक है, इस तरीके से हो ही नहीं सकती, मान नहीं सकता ना, ये तो इसके पास होगी ना, ये तो नॉर्मल रेंज होगी, इधर तो निकालना ही नहीं है ना, इधर किधर कहीं मिल रहा है क्या, हाँ ये मिल रहा है, तो हो गया, ठीक है, चलो ये तो हो गया, ठीक है, इसके पास से निकालना, कहीं पीछे से निकलेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, नीचे की तरफ पीछे से निकलेगा, ये निकल जाएगा ना या नहीं निकलेगा बताओ, थोड़ा और इसको जूम आउट कर देते हैं, आपका इधर देखिए,
ये आपका निकल गया, ये वाला निकल गया, ठीक है। एक लाइन और निकाल देते हैं, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही इजी और आपका रिलायबल है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लाइनें को नहीं लगानी, इतना ही लगाना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना किसी भी चीज को। ये पैसा जो बनेगा वो सेटअप के ऊपर बनेगा, फिर जूम इन कर देते हैं, ठीक है। जूम इन करके आपको रिजल्ट दिखाता हूं, इसलिए और जूम इन कर देते हैं। खुद देख लीजिए क्या रिजल्ट है। ये वाला तो गलत ड्रॉ होगी, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बीच में ना, इसको हटा दीजिए। खुद देख लीजिए क्या रिजल्ट है। एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। इंक्रीज कर गए। अब मेन दिक्कत कहां आएगी, आपकी एंट्री के अंदर आएगी। एंट्री तो आपको मैं क्लासेस के अंदर सिखाता हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि ये एक दिक्कत और आती है कि प्राइस ऐसे जा रहा है, आपने यहां पे सेल कर दिया और प्राइस पहले एसएल तोड़ेगा फिर नीचे आएगा, ये आपको दिक्कत आती है। यहां पे भी ये दिक्कत अभी नहीं आई लेकिन होती है, प्राइस इधर जाके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लासेस के अंदर हम सीख ही जाएंगे। दूसरी चीज क्या होता है, एक दिक्कत और आती है कि आपकी ब्रेकआउट कैंडल जो है इतनी बड़ी बनी है, मीन्स आपका कंफर्मेशन के अंदर ही आधा मूव निकल गया। कंफर्मेशन के अंदर जब आधा मूव निकल जाएगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा, स्टॉप लॉस इसका यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा एसएल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइम कन्वर्जन करते हैं, मीन्स टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। हम जो चार्ट को वॉच किसी और टाइम फ्रेम में करते हैं, मान लीजिए 1 आवर आप 5 मिनट में हमने वॉच कर लिया, और ट्रेड जो हम लेंगे वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर आपके पास स्किल्स नहीं, आपको नहीं आता तो आप फिर नहीं ले पाएंगे, 1 मिनट के अंदर ले लेंगे। और टारगेट्स हम 5 मिनट 10 मिनट के अकॉर्डिंग बुक करें क्योंकि एंट्री हमारी पहले हो जाएगी, और वो लाइक ए डॉट काम करता है, वो सेटअप मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन 1 मंथ में आप सीखते हैं, कंप्लीट प्राइस एक्शन आपको स्किल्स इंप्रूवमेंट करा के देता हूँ। इवन मैं ये भी देता हूँ कि आप पैसा भी कमाइए, ठीक है, आपको वो सेटअप भी देता हूँ, बस सिखाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बहुत अच्छा करेंगे, और इतना अच्छा करेंगे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा क्लास करके, आज स्पेशल क्लास हुई आप लोगों के लिए वैसे तो। हाँ सर, अच्छा, बहुत ही जबरदस्त तरीका बता दिया सर आपने अभी तो, स्किल्स वो तो अच्छा सर, ये करेंसी में भी ऐसे ही वर्क करेगा, ये वर्ल्ड की ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट पे मैं जो भी प्राइस एक्शन सिखाता हूं वो यूनिवर्सल प्राइस एक्शन सिखाता है, वो वर्ल्ड की ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट पे काम करता है, एवरी टाइम फ्रेम पे काम करता है। जस्ट सीक्वेंस को यूज करना आना चाहिए, मीन्स हम सीक्वेंस यूज करेंगे तो कैसा आएगा, मतलब कंप्लीट प्राइस एक्शन सीखेंगे, आधा अधूरा नॉलेज बेकार होता है, आधा अधूरा नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा ही सीखना पड़ेगा, सब पे काम करेगा। तो सर अंकित बोल रहा हूं। हां बताइए अंकित भाई। सर सर बैंक निफ्टी और निफ्टी का वॉलेटिलिटी कहां से पता चलता है सर? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे ना, यहाँ से तो यहाँ पे इक्विटी में जाएंगे तो यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव कर देंगे, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो म्यूट कर दीजिए यार, किसी यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है। इक्विटी डेरिवेटिव में जाएंगे तो बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी बैंक आपने सर्च कर दिया, निफ्टी निफ्टी बैंक आपने यहाँ से सर्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन जब आप जाएंगे तो आपको डेली वोलेटिलिटी आपको पता चल जाएगा 2.14, ये चेंज होती रहती है, आप वॉच करते रहिए इसको कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। ये NSE की न्यू वाली वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो ओल्ड वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर, थैंक यू सर। भरत बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए भरत, बताइए। हेलो, मेरा एक डाउट था सर, पिवट पॉइंट्स क्या है सर? पिवट पॉइंट्स क्या है मुझे नहीं पता, पीवर्ड्स पॉइंट्स क्या है, ठीक है ना, ही हम प्राइस एक्शन में यूज करते हैं ऐसी किसी भी चीज को हम यूज नहीं करते, हॉरिजॉन्टल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीवर्ड पॉइंट, ठीक है, जिसपे पैसा नहीं बनता, सिर्फ पैसा ऑपरेटर को गिफ्ट किया जाता है, इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। हम किसी भी ऐसी चीज को फॉलो नहीं करते, इवन ऑप्शन सेल भी हम फॉलो नहीं करते, हम कंप्लीट प्राइस एक्शन करते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं, प्राइस का एनालिसिस करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, ऑपरेटर की क्या लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपर प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं और मार्केट के साथ में जाते हैं, ओवर एनालिसिस नहीं करते।
यही प्राइस एक्शन है, प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ही प्राइस एक्शन है, ओवर एनालिसिस करना कोई प्राइस एक्शन नहीं है। ओवर एनालिसिस करके पीएचडी करके अगर आप पैसा नहीं बना रहे तो ऐसी पीएचडी करने का कोई काम नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करके चीजों से पैसा बना सकते हो तो हर चीज अच्छी है। एंड ऑफ द डे अगर पैसा नहीं बनना ना तो सब बेकार है, पैसा बन रहा है सब अच्छा। मोटिवेट कीजिए। सर एक क्वेश्चन, पैटर्न कल, आई मीन वी कैन प्रेडिक्ट फॉर टुमारो आल्सो नो सर? यस, आपने क्या किया अभी नो? यस यस, वी कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट टुमारो फ्यूचर्स, आल्सो वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आपको रेगुलरली जब आप लाइव मार्केट में करेंगे, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, हम जो सीखते हैं सबसे अच्छी चीज क्या, अभी मैंने आपको सिखाया ठीक है। अब आप एक दिन में तो चीजें स्किल्स तो एक दिन में आती, स्किल्स एक ऐसी चीज होती है वो एक दिन में नहीं आती, वो प्रैक्टिस करने से आती है ठीक है। तो आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, लाइव मार्केट में आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आप एक गलती करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, पांच करेंगे, जब मैं आपकी कोई सारी गलतियां ही फिल्टर कर दूंगा फिर कितनी गलतियां करेंगे। मीन्स आपके साथ सबसे अच्छी चीज है कि आप जितनी आपको गलतियों की छूट है यार, करो जितनी आप गलतियां करोगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गलतियां तभी कर रहे हो जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ करोगे नहीं तो गलतियां कैसे करोगे। तो गलती करो ना, गलती तो सिखाती है। अगर हम लर्निंग प्रोसेस में है तो जितनी गलती मिस्टेक्स करेंगे, मिस्टेक्स तो हमें परफेक्ट बनाएगी, तो मिस्टेक्स तो करना ही करना है ना, मतलब जानबूझ के नहीं करना है, वो तो होगी होगी, जितनी मिस्टेक्स उतने ज्यादा परफेक्शन। तो हर मिस्टेक्स को हम सिखाएंगे, मीन्स हम सीखेंगे, मैं आपको हर चीज एक चीज सिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी को भी। ओके सर। सर बजरंग पटवारी बोला, एक बात पूछना था सर मुझे। दो पूछिए, आपके लिए तो छूट है, मैं पटवारी जी ना बोलूं तो चलेगा या बजरंग जी बोलूं? सर आप जो बोलेंगे सर मेरे लिए वही सर आशीर्वाद रहेगा सर, आप जो मेरे को आशीर्वाद देंगे वही चलेगा। मैं तो आपका काफी छोटा हूं, बजरंग बली बोल दूं आपको मैं, आप तो बड़े। हां सर चलिए ठीक है। सर जी एक बात बताइए, जैसे यहां पर जो चैनल अपने जो ड्रॉ बन गया है एक्सटेंडेड लाइन के थ्रू, तो जैसे ऊपर में जब ये टच नहीं कर रहा तो यहाँ पर हम सेल कॉल कैसे लेंगे, और नीचे में जब टच नहीं कर रहा ट्रेंड लाइन को तो हम बाई कॉल कैसे लेंगे, मतलब इसको हम फिल्टर कैसे करेंगे, मतलब ये बोलना चाहता हूं। यस यस बिल्कुल करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर जब सेटअप देंगे तो उस सेटअप में सब चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड रेडी रहेंगी, रेडी टू ईट मीन्स सब रेडी रहेंगी, जस्ट वॉच करना, देखना आपके रडार पे ट्रेड आएगा और ट्रेड ले लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये फोर्थ पार्ट के सेटअप के अंदर इसको सेटअप दूंगा मैं आपको, जो टाइम फ्रेम चेंज करके आपको ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट पे कैसे पैसा कमाना। इवन इस सेटअप के ऊपर बैंक निफ्टी अगर 500 पॉइंट का इंट्राडे वोलेटिलिटी है तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके 1500 पॉइंट तक निकाल सकते हैं, और जिसको भी मैंने सेटअप दिया वो सेटअप ही यूज कर रहा है, वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है ठीक है। तो ये सेटअप देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बताइए किसी और कोई क्वेश्चन है? हाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं ठीक है, जो मैं आप लोगों को जितने भी प्राइस सेक्शन के ऊपर ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट में सेटअप देता हूँ, उस सेटअप का मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना ही मैं उसको सेल करता, ना ही कभी मैं यूट्यूब पे वो सेटअप अपलोड करूंगा, बिकॉज ऑफ लोग वहां से कॉपी कर लेते हैं, जेन्युइन पीपल्स को वो सीख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मेरी आर्ट है और मैं अपनी आर्ट कभी सेल नहीं करता। जो मुझे स्किल्स है, जो मुझे पता नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ ठीक है। उस चीज का मैं क्योंकि सिखाता हूँ तो मेहनत करता हूँ तो उसका तो बनता है, लेकिन जो मैं आपको सेटअप देता हूँ उस सेटअप से तो मैं कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना ही मैं कभी लूंगा, क्योंकि मैं अपनी आर्ट कभी सेल नहीं करता। कोई करता होगा, प्राइसलेस भी है सर, प्राइसलेस है वो, मैं सेल नहीं करता, ना ही मैं कभी फ्यूचर में उसको सेल करूंगा, कर ही नहीं करूंगा। हाँ बताइए सर, ये दोनों वीडियो यूट्यूब पर आप अपलोड करने वाले हो? कौन से ये दोनों वाले? कंबाइंड करके अभी कंबाइंड करके अभी अभी अपलोड नहीं करूंगा ठीक है, आप जब भी करेंगे तब बता दीजिए क्योंकि देखने के लिए वो तो आप सब लोगों के पास, आप तो सब्सक्राइबर है यार, सब लोगों के पास आते हैं, इसमें बताने वाले क्या बात है, सीधी सी बात है। इस वीडियो के लिए क्यूरियस हो ना, इसीलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, प्राइवेट रख देता हूँ ठीक है, या मेंबर्स ओनली कर दो। एक काम करता हूँ, यूट्यूब के लिए मैं मेंबरशिप कर देता हूँ, वो मेंबरशिप ले लीजिए ठीक है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, अभी बात करेंगे उस बारे में, जो अपनी प्राइवेट क्लासेस है, जो मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कॉन्टेंट्स है ना, वो हम मेंबरशिप में कर देंगे तो क्या वो खाली रिविजन के लिए रहेगा और बाकी मतलब आम पब्लिक उसको देख भी नहीं पाएगी, बाकी जिसको जो जनरल रहेगा। मैं एक चीज बोलूं कि आप लोगों को मैं एक महीने सिखाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यूस एक मेहनत होता है, उसके बाद जो आपको कम से कम 30-35 दिन दो
क्लासेस तो सारे कॉन्फिडेंशियल एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उस लेवल का बहुत कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए लोगों को पता चले ना हम क्या सिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट पता तो मार्केट के अंदर ऑप्शंस तो होना चाहिए ना। वो अलग बात है कि 30-35 ज्यादा को नहीं सिखा पाते, नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि अगर मैं 2021 के अंदर भी मैक्सिमम अगर लोगों को एडमिट करूंगा फ्यूचर में, तो मैं 200 से ज्यादा कर ही नहीं सकता, करूंगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, लेकिन मुझे करना ही नहीं है वो सब चीजें, मुझे नहीं करना। लेकिन जिसको भी सिखाना है उसको उसका करियर बनाना है, उसको पूरी लाइफ में मुझे पॉजिटिव वाइब चाहिए, ब्लेसिंग मिले मुझे, वो चाहिए, वो मेरे लिए रियल पैसा। तो आज सब लोग एंजॉय करिए, वैसे भी 26 जनवरी है, ठीक है। हाँ सर, आप भी एंजॉय करिए, आप भी क्लास लेकर के हमारे साथ फंसे हुए। अभी भी मन नहीं फंसा हुआ नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप सब लोग फैमिली मेंबर हैं, मैं कभी भी किसी को चीज को बोल नहीं पाता। बात कर सकता हूँ, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी, एक मिनट रुके, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है और आप लोगों को ये सब करना बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी, और मैं ये अच्छे से निभाऊंगा, इसलिए सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये इसका ना डेडिकेशन बहुत हार्ड है। मैं खुद भी मतलब साइट्स पे देखता हूँ अपना काम करने का, ये डेडिकेशन बहुत हार्ड है, ये मतलब इतना आसान नहीं रहता, बहुत डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए बाबा। आप सब बहुत डिसिप्लिन चाहिए, आप सब लोगों को प्यार है। हाँ जी, आई लव यू सर, आई लव यू, डेफिनेटली आई लव यू, ऑल माय सब्सक्राइबर एंड ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। हां बताइए सर, सर एक बात करूं सर, बिल्कुल दो मिनट बोलिए आप, कोई बात अभी अभी टाइम जो बचा हुआ 4 मिनट 32 सेकंड बचा, आप बोलिए। 30 सेकंड ही लूंगा सर। सर जो अपनी क्लासेस होती है ना, जैसे आपने डिस्क्राइब किया अभी, तो एक प्राइवेट ग्रुप बना के है ना, मेंबर्स ओनली कर देंगे तो रिवीजन में बहुत मदद हो जाएगी सर। तो वो क्या करना, मैं एक बात बताऊं, YouTube पे एक मेंबरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें 99 समथिंग कुछ प्राइस होता है मंथ का, वो मैं रख दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि सब लोगों के लिए अच्छा रह जाएगा। सर इसमें क्या हो जाएगा कि पार्ट वन की जो क्लासेस है, समझो आपने 7-8 क्लासेस ली और वो हमें जो भी है मेंबरशिप में भी हम ले लेंगे, तो रिवीजन में बहुत मदद होगी सर। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जितने भी क्लासेस हम कर रहे हैं, 2 महीने जैसे 1 महीने 2 महीने जितने भी बहुत हाईली मतलब अच्छे से होते, वो सारी क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और YouTube पे सारी की सारी अपलोड कर देते हैं। देखो सब तो अपलोड करते हैं, तो वो सब पब्लिक के लिए नहीं होगी, पब्लिक के लिए कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग कॉपी कर लेंगे, गलत लोगों को मिस यूज करेंगे, हम मिस यूज होगी, मिस यूज होगी, ठीक है। जिसको लाइफ में करियर बनाना है, जिसको सीखना है वो सीख लेगा, क्या प्रॉब्लम है। जिसको अगर करियर ही बनाना है तो उसको कुछ खर्च कर देगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीख लेगा, उसको जैसे हमने SBI की वॉलेटिलिटी देखी 2.66 आवर्स और परसों हम देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गया आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 2.66 को भी हमने 3% माना, एक्सटेंडेड लाइन के वो पास से ही गुजरेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आस पास से ही गुजरेंगे, उससे दिक्कत बिल्कुल टेंशन लेने। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे डाउट प्रैक्टिस में क्लियर होंगे, ये थ्योरेटिकल आंसर है, कोई फायदा नहीं है इसका। वो क्या हो गया 2.66 है तो कभी 3% हो गया, हम तो आइडियल रेफरेंस मान रहे ना कि 2.66 है तो हम 3% मान रहे हैं, तो 3% किसी दिन हो गया तो हम 3.5% मान लेंगे, यही तो है, कुछ भी नहीं है वो। जस्ट एक मीन्स हम मान रहे कि हम डेली वॉकिंग करने जा रहे हैं, तो हम 2 किलोमीटर करने जा रहे हैं, ये मान ले 2.5 किलोमीटर कर लिया, किसी दिन गए भी नहीं, किसी दिन 4 किलोमीटर भी तो कर लिया, तो एक एवरेज निकल के आती है, एक प्लस किसी भी चीज का ना प्लस माइनस होता है, मतलब वो एडजस्टेबल कितना है, तो एक रेफरेंस वैल्यू का प्लस माइनस क्या है, वही है कि आधा परसेंट एक्स्ट्रा मान के चलो। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर अल्तमश बोल रहा हूँ, ये सर जैसे हमने पार्ट वन की क्लास की है, तो हमने 2 चीजें अभी तक के इसमें सीखे, एक एक्सटेंडेड लाइन में जिसमें हमने रिवीजन किए थे, मतलब ड्राइंग को रिवर्स करके फ्यूचर सपोर्ट्स एंड डिस्टेंस निकाले, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने आज ये वाला बताया जिसके, हाँ जी, तो बस ये अभी 2 ही चीज हमने की है और इसी को रिवाइज करना है लाइफ चार्ट। बिल्कुल, अभी तो पार्ट वन तो बहुत एक वाइड है, मतलब पार्ट वन के अंदर पूरा मार्केट। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली अपने आप को कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने यही 2 चीज सीखी है अभी, वो किसी का मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं सबको पर्सनली 1-to-1 ट्रैक करता हूँ, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सब लोगों को एंजॉय करो, मिलते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में, बाय बाय। ये अब कल से मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कल से क्लास है, तो कल
रात में करेंगे आप ये? हाँ, करेंगे क्योंकि कुछ सात बजे कुछ ऐसे है ना जो कि मॉर्निंग में जॉब वाले जो कर नहीं सकते वो सात बजे करते हैं, तो सात बजे क्लास करेंगे 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 डोंट वरी। ठीक है हाँ जी हाँ जी। YouTube पे लोड करेंगे सर ये अपना जो प्राइवेट मेंबर्स के लिए सर? अभी मैं डिसाइड अभी हम डिसाइड करते हैं। ओके सर थैंक यू। हां सर पूरा उसका बनाइए पहले सेटअप फिर आप करिएगा फिर डिसाइड करते हैं। ओके बाय बाय टू जी ओके ओके सर बाय बाय हैप्पी रिवाइंड थैंक यू सब लोगों सेम टू यू ओके सर ओके थैंक यू सर।